आज 27 नवंबर 2023 बाप दादा के महावाक्य हैं। बीते बच्चे, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरन करो और बाप को याद करो, यानी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ, सुदर्शन चक्र में ज्ञान भी आ जाएगा, योग भी आ जाएगा, दोनों होंगे तो नशा चढ़ा रहेगी। रात में सारी रात बैठ के नहीं, सारी रात बैठो, बाबा ने कहा जी रात को जागो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलत समझ लेते हैं कि रात को जागो, तो बाबा ने कहा रात को जागो, रात को जाग रहे हैं, मतलब थोड़ी देर सोने से पहले बाबा की याद करो, मुरली पढ़ो, चक्कर लगाओ, सारी रात बैठे रहोगे, नींद को तो टाइम चाहिए, 4-5 घंटे नींद को चाहिए, या नींद नहीं करोगे सारे रात बैठे रहोगे तो दिमाग भी खराब नहीं करेगा। इसलिए नींद के समय नींद बहुत जरूरी है ना। एक कभी रात को आपके बैठना हो, अगर अगले दिन फ्री हूँ सो सकते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज रात को नहीं जागना। रात को जागना में सुबह सुबह जागे, अमृत पूरे जागे, 3-4 घंटे जागे। प्रश्न है, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती? कौन से बच्चे हैं, चाहते हैं योग में बैठे बैठ नहीं पाते, कौन से बच्चे होंगे? उत्तर है, जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तुओं में फंसी रहती है, और जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। कैसे पता लगा बुद्धि को ताला लगा हुआ है? पढ़ाई अच्छी प्रवृत्ति नहीं पढ़ते हैं, जो ज्ञान योग धारणा सेवा का इंटरेस्ट पूरा नहीं, माया उन्हें याद में बैठे नहीं देती। अगर वो कि माया तंग है, तो माया क्या है? आपकी अपनी ही कमी कमजोरी है, बाहर की चीज नहीं है, आपके अंदर ही अपनी कमी कमजोरी है, जिस करके कि आप याद में बैठ नहीं सकते और वो मन मना भाव रह ही नहीं सकते। मन मना भाव में अपने को आत्मा समझ एक बात की याद में रहना, रह नहीं सकते, तो ये लगेगा। फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं, जिन्होंने अपने आप को ज्ञान से राइट क्या रॉन्ग क्या समझा नहीं, बुद्धि से अपने को पागल बनाया ही नहीं, योग से अपने को पागल बनाया ही नहीं, सेवा भी क्या करेंगे? तो श्रीमत पर ना चलने के कारण, कारण क्या सारा? श्रीमत पर नहीं चलते, श्रीमत पर ना चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं और धोखा देते हैं। किसको? बाबा को। बाबा को धोखा देने में अपने आप को धोखा देना, धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती हैं, उनके लिए लास्ट में सजाएं रह जाती हैं और कुछ नहीं रह जाती। इसे ज्ञान योग धारणा सेवा के लिए अभी से समय निकालो, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन होगी इसका। गीत चला, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। क्यों बाबा को बुलाना चाहते हैं? क्योंकि तो मुकद्दर बनाने वाला एक ही है, भाग्य निर्माता एक ही है, और आता भी इस संगम ईश्वर है। बस ओम शांति। बच्चों ने भी सुना, गॉड फादर को ही बुलाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं।
बाप को कहेंगे आओ। फिर से कंसपुरी के बदले किशनपुरी बनाओ, क्योंकि किशनपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है, ये दुनिया में कोई भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, ये सब भूले कहां से हुई, कहां से हुई भूले, शास्त्रों से हुई। अभी बाप यथार्थ बात समझाते हैं कि वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉड फादर है, सबको उस एक गॉड को ही याद करना है, उससे बड़ा जो होगा उसको याद करना है, गॉड फादर है। भल मनुष्य क्राइस्ट को, बुद्ध को अथवा देवताओं आदि को याद करते हैं। अब हर एक धर्म वाले अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू कब से हुआ? द्वापर से। अब देखो भारत में गाया हुआ भी है, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई, यानी सत्युग देवता में सुख है, द्वापर से दुख होना शुरू हुआ। तो द्वापर से ही याद करने की रस्म पड़ती है, क्योंकि तो दुख है। पहले पहले भारतवासियों ने याद शुरू किया, भारतवासियों में जो देवी देवता थे पहले पहले याद उन्होंने करना शुरू किया। उनको उन्हों को देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते हैं। अब बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है, बाबा भी, शिव बाबा भी धर्म स्थापन करने वाला है, परंतु मनुष्य ने बाप को भूल नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। अब लक्ष्मी नारायण के धर्म का उन्हें पता ही नहीं। याद तो ना लक्ष्मी नारायण को करना है ना श्री कृष्ण को, याद करना है एक बाप को जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। फिर जब ये भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं, पहले शिव की पूजा की अवे बजारी आती, तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो याद श्री कृष्ण को करते हैं। उन्हों को देख जब देखा, शुरू में ही सबसे पहले गीता थी, उसमें याद करना शुरू किया श्री कृष्ण को, तो उन्हों को देख बाकी धर्म स्थापक भी, बाकी धर्म वालों ने भी अपने धर्म स्थापक को याद करने शुरू कर दिया। ये भूल जाते हैं ये देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया है। हम लिख सकते हैं कि गीता का सर्मोनाइजर स्थापना करने वाला श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है, और वो है निराकार। ये तो वंडरफुल बात हुई ना, किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं कि वो स्टार है। अब सब जगह शिव के मंदिर है, तो वो समझते हैं कि इतना बड़ा है, यानी शिवलिंग जितना बड़ा है, अखंड ज्योति तत्व है, अखंड ज्योति तत्व है, बहुत बड़ी ज्योति है, लाइट ही लाइट है, परंतु वो तो महतत्व में रहते हैं। कहते ब्रह्मांड में क्या है, ज्योति है, इतना बड़ा भगवान है। अरे ब्रह्मांड तो महतत्व है, जो महतत्व में रहते हैं, जैसे पांच तत्व की दुनिया है। परम दाबू कहता है, कोई कहते हैं छठा तत्व, कोई कहते हैं सातवां आत्मा, है तो महतत्व आत्माओं का, जहां आत्माएं रहती हैं।
अब आत्मा का रूप बरोबर स्टार मिसल है, तो परमता भी स्टार है, परंतु आत्मा परमात्मा का रूप एक जैसा है, परंतु वो नॉलेजफुल बीज रूप होने के कारण उनमें ताकत है। देखो बीज में कितनी ताकत है, इतना पेड़ निकल जाता है। ऐसे ही शिव बाबा भी बीज रूप है, नॉलेजफुल है, इसलिए अंदर पावर है। तो आत्माओं का पिता, ये कहो आत्माओं का बीज परमात्मा को कहेंगे। है वो निराकार, तो किसी भी मनुष्य को ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव, यानी प्यार का सागर, ज्ञान का सागर इतना भरपूर किसी भी मनुष्य को कह ना सके। इसीलिए समझाने वाले बच्चों में क्या चाहिए? अथॉरिटी चाहिए। अथॉरिटी किन में होगी? जिनकी बुद्धि विशाल हो, चारों युगों का ज्ञान हो, जिनमें मूल वतन सूक्ष्म वतन का पता हो, उनकी बुद्धि विशाल है। कि तुम सब में मुख्य है मम्मा, वंदे मातरम भी गाया हुआ, वंदना माताओं की, मम्मा बहुत सुख कन्याओं द्वारा बाण मरवाए, शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर अदर कन्या, कुमारी कन्या का राज कहाँ है? कहीं है ही नहीं, सिर्फ मंदिर से ही सिद्ध होता है। कौन से मंदिर से होता है? कुमारी कन्या, अदर कन्या, वैष्णो देवी। अगर कुमारी, दोनों मंदिर अलग अलग हैं, इसे सिद्ध होता है कि कुमारी भी कन्या है और अदर कुमारी जिससे मैरिड है, बाद में पहुंचे होंगे, वो भी कन्या है। जगदम्बा भी इसके बराबर है, परंतु वे जानते नहीं तो जगदम्बा है कौन, कि मम्मा ही जगदम्बा है, किसी को पता ही नहीं। तो बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूं। ब्रह्मा के मुख द्वारा, कमल द्वारा, मुख कमल द्वारा रचयिता कौन है और रचना क्या है, उसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, उसका राज बताता हूँ। यानी ड्रामा में क्या है ये मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। ये बेहद का ड्रामा है, वो 3 घंटे की पिक्चर होती है, ये 5-10 साल की पिक्चर है, और इसके एक्टर हम हैं। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। जिनकी बुद्धि में ये रहता है उन्हें तो बहुत नशा रहता है। क्या रह जाता है? कि हम इसी ड्रामा के हमी तो एक्टर्स हैं, नशा तो रह गई है। तो सारा दिन शरीर निर्वाह किया, नौकरी बिजनेस धंधा किया, रात को बैठ स्मृति में लाओ, सारा दिन बिजी हो, रात को बैठ के स्मृति में लाओ कि ड्रामा चक्कर कैसे लगाता है, पूरा चक्कर कैसे लगता है। यही तो है मनमना भाव, परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती, दिन में वैसे काम में बिजी है, रात को बैठने नहीं देती। एक्टर की बुद्धि में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए ना। हीरो है, पता हो जाए कैसी पिक्चर है, ये स्क्रिप्ट क्या है, इसके क्या क्या इसमें है, ठीक है। एक्टर्स की बुद्धि में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए ना, परंतु सारा राज रहना है बड़ा मुश्किल। कहीं ना कहीं फंस पड़ते हैं, तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर दे। बुद्धि कहीं फंसी तो बाबा कहता क्या, उसकी बुद्धि का ताला लगा दे। इससे बाबा कहते बहुत बड़ी मंजिल है, अच्छी पढ़ाई वाले फिर तनख्वाहें भी तो अच्छी लेते ही है ना, ऐसी ये है पढ़ाई। पढ़ाई
परंतु परंतु बाहर जाने से भूल जाते हैं, है ना। यहाँ क्या जाता है कि बाबा की पढ़ाई पढ़नी है, वहां घर जाते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर अपनी मत पर चल पड़ते हैं। और बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्री मत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। मुरली के साथ चलोगे इसी में कल्याण है, क्योंकि ये है ही पति दुनिया। विकार को कहा जाता है पॉइजन, जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं। ये रावण राज्य शुरू ही होता है कब से, द्वापर से। और ये वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। अब श्री मत पर चलें तभी तो धारणा भी हो। बच्चे जानते हैं विनाश सामने से, लोग समझते मजाक कर रहे हैं, हमें पता है कि ये पूरी चल रही है। सब दुखी होके रड़िया मारेंगे, हे भगवान रहम करो, त्राही त्राही करते समय याद भगवान को ही करेंगे। पार्टीशन के समय कितना याद करते थे, पार्टीशन था 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था, उस समय भगवान को कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो रक्षा करो। अब भगवान रक्षा क्या करेंगे, रक्षा करने वालों वाले को ही जानते नहीं, तो रक्षा करेंगे कैसे। अभी वो भगवान बाप आया है, परंतु अरे ना बाबा परमा छोड़ करके, परंतु मुश्किल ही कोई की बुद्धि में ये बैठता है। तो बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे सर्विस करो, ये श्रीमत बाप की मिलती है। ये मुरली किसकी है, बाबा की है। ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते। बाबा कहते ये भी कैसा वंडर है, ये भी कैसा वंडर है, कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे। क्या करना है अभी, चेक करना है, सारा दिन याद किसकी, शिव बाबा की बुद्धि में रहे। ये भी उसका रथ साथी ठहराना, ब्रह्मा बाबा तो उसी का है, ये भी उनका साथी है। तो बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि, आज बाबा पूरा निश्चय डामर पूरा निश्चय, कल संचय बुद्धि बन जाते हैं, दौड़ाना शुरू हो जाता है, क्योंकि माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है। तो बाबा इसमें क्या कर सकते, माया तूफान आप पुराने तो बाबा भी क्या कर। तुम ज्ञान में आए और सरेंडर हुए, ज्ञान में आए समर्पित हो गए, समर्पित हो गए ना, सरेंडर हुए तो तुम ट्रस्टी जा रहे, अभ्यस्थी तो नहीं हो, ट्रस्टी जा रहे जुड़ने सेंटर में समर्पित होना है, जो बुद्धि से बर्पण करते हैं। बाबा अब जो कुछ है इनमें मेरा नहीं, तन मन धन मेरा नहीं, ये आपका है, आपकी सेवा में लगा, वो भी ट्रस्टी वो भी सरेंडर है। बाबा जी तुम ट्रस्टी हो सरेंडर हो गए, तुम क्यों फिक्र करते हो, तो सरेंडर किया है तो सर्विस भी करनी है। ठीक है, अगर तुम बुद्धि सेंटर पर रहते हो तो फिर सेवा भी करनी है, तभी तो रिटर्न में मिलेगा, सेवा करो तभी तो सेवा मिलेगा। अगर सरेंडर हुआ है समर्पित हो गए सेंटर पर, सर्विस नहीं करता तो भी उनको खिलाना तो पड़ेगा ना, सेंटर पर रह रहे हो सेवा नहीं करते हो खिलाना तो पड़ेगा, तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना खत्म कर ले,
और सेवा नहीं की, जब सेंटर बैठे खाते रहे है ना, तो जो ये आपने सारा खत्म किया, मतलब सर्विस करते ही नहीं है सेंट्रल ब्रेन में, बोरी थी जहाँ से सेवा करनी, तो सेवा की और सब की सेवा की, तुम्हें क्या सर्विस करनी है, क्या सर्विस करनी है, तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की, मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है, जिससे मनुष्य ऊंचे बने। अब सर्विस नहीं करते तो सेंटर पर रह दीजिए, बुद्धि से समर्पण दूसरे समर्पण है, और सेवा नहीं करते तो वो जाकर दास दासी बनेंगे। जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनका मान भी ऊंचा होता ही है, और जो नापास होंगे फेल हो जाएंगे वही जाकर दास दासी बनेंगे। ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट आपके प्रिय राजा बनने के लिए, नहीं चारों चलोगे राजदासी बनोगे। मैं बता रहे हैं आपको पता, फ्यूचर पता होना चाहिए, मेरे फ्यूचर में क्या बनने वाला हूँ, ये नहीं क्योंकि बाबा साक्षात्कार आपको खुद पता होना चाहिए लक्ष्य मेरे कैसे। बाबा कहते हैं बच्चे करना क्या है, मुझे याद करो और वर्षा लो, बस ये मन मना भव अक्षर ही राइट है। भगवद गीता में शब्द है मन मना भव, भगवत बिल्कुल अक्षर राइट है। ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर, कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण कह ना सके तो बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो, एक को याद करो और भविष्य राज्य पद को याद करो। मन मना भव मुझे याद करो, मध्य राज्य भव भविष्य राज्य पद को याद करो। ये राजयोग, ये राजयोग है ना, राजाओं का राजा बनना है ना, इसे प्रवृत्ति मार्ग से होता है। राजा अकेला नहीं होता, राजा रानी भी होती है, इसे क्या हो गया प्रवृत्ति मार्ग से होता है, परिवारों में रहने का मार्ग है। ये तुम ही समझ सकते हो, ये बातें तुम ही समझ सकते हो जो परिवार में रहते हैं। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल सीखे हैं उन्हों को बुलाया जाता है, समझा जाता है ये होशियार हैंड्स हैं, बच्चों को योग युक्त बनना है, कभी ज्ञानी नहीं और योग युक्त बनना है। श्री मत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते हैं, भगवान के बच्चे ऐसा भी करते हैं, धोखा देते हैं तो फिर सजाएं खानी पड़ती है, फिर तो ट्रिब्यूनल भी बैठती है, पूरे बेंच बैठती है, पांच जजेस की बेंच बैठेगी, सब लोग ब्रह्मा बाबा भी होंगे, शिवावत होंगे होंगे, ब्रह्मा बाबा भी राजी होंगे, ब्रह्मा भी होंगे, सारे बेंच बैठेगी है ना, वो बताएंगे क्या क्या करेंगे क्या क्या। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी है रात्रि क्लास, बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है बाप की, सेवा करनी है तो पहले बाबा का परिचय दे। बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं, गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, उन्हें समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है। अब देहधारियां देहधारी तो बहुत है, बिगर देह है ही एक, विदेही एक ही है जिसे अपनी देह नहीं है, और वो ही है ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाओ,
एक हीरा का लावा है, देश में दे अपने ले लिया है, तो भगवान हो नहीं सकते। तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, वही ऊंचे से ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा है, और वो है बेहद का बाप, और ये है हद का बाप। ये फिजिकल फादर, वो अनलिमिटेड फादर। और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते हैं, ऐसा भी कोई बाप नहीं जिसे अमर पद मिले। अमर पद कहाँ मिलेगा? अमर लोक में, और अमर लोक है सत्ययुग। ये है मृत्यु लोक, कलयुग को कहते हैं मृत्यु लोक, सत्ययुग कहते हैं अमर लोक। तो बाप का परिचय देने से समझेंगे कि बाप से वर्षा मिलता है। क्यों बाबा को याद करना बाबा? कि सारी प्रॉपर्टी बाप से मिलती है, जिसको कहा जाता है दैवी स्वराज्य। देवताओं को अपना राज्य कहां से मिला? यहीं से प्राप्त किया। वो पाप ही देते हैं, और वही पतित पावन गाया जाता है, और कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तभी पाप कट जाएंगे। तो पतित से पावन बन, पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। कल कल हर साइकिल में बाप कहते हैं माँ एकम याद करो, मना याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है। जितना जितना सूर्य दर्शन करते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, उतनी उतनी प्योरिटी आती है। तो अभी तो पावन दुनिया आ रही है, पावन बनना है, अभी तो पावन दुनिया आ रही है, और पति दुनिया विनाश होनी है। पहले पहले पाप का परिचय देकर पक्का कराना है, और जब पक्का बाप को समझ जाए तब बाप से वर्षा मिले। हम डाउट हो बाबा है भी है कि नहीं है, तो वर्षा नहीं मिलेगा। पक्का निश्चय, ये मेरा बाबा है, ये मेरा बाप है, तो वर्षा मिलेगा। और इसी में माया बुलाती बहुत है। तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते हो। शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे, वो बाबा इनके द्वारा बताते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के बताते हैं, बच्चे मुझे याद करो। फिर भी धंधे आदि में जाके भूल जाते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। यही मेहनत की बात है, मेहनत क्या करनी है? बाबा को याद करने की मेहनत करनी, एक ही मेहनत करनी। पर बाप को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता। जो पूरा परफेक्ट बन गया वो हो गया फरिश्ता। तो ये पक्का याद करो, कैसे किसी को समझाए, और पक्का निश्चय भी हो कि हम भाइयों को यानी हम आत्माओं को समझाते हैं। किसी को देखो ये आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये हमारे आत्मा इस आत्मा को समझाते हैं। यानी सबको बाप का पैगाम देना ही। कई कहते हैं बाबा के पास चलूं, दीदार करूं, फिर लोग बोलते हैं ना हमें भी बाबा से मिला दो, दर्शन ही करा दो। परंतु इसमें दीदार आदमी की तो कोई बात ही नहीं, वहां जो दर्शन करने की तो कोई बात ही नहीं है। अरे भगवान आकर सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं तुम मुझ अपने निराकार बाप को याद करो, और याद करने से सब पाप कट जाते हैं। अब कहीं भी ऑफिस में जाओ, धंधे आदि में बैठे, घड़ी घड़ी याद बाप को करना है, क्योंकि बाप ने हुक्म दिया है मुझे याद करो। तो
तो निरंतर अंतर ना पड़ेगा, निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे, वही जीतेंगे। जीते मार्गी कौन जीतेगा? जो निरंतर बाबा को याद करेगा। अब याद ही नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे, नंबर कम हो जाएंगे। ये पढ़ाई है ही, हमारी पढ़ाई किस चीज की है? किसी की पढ़ाई पड़ती है यहाँ पर? ये पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की। जो एक बाप ही पढ़ाते हैं कि तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है, तो 84 जन्मों को यानी सुदर्शन चक्र को भी याद करना है। कौन बनेगा चक्रवर्ती राजा? चक्रवर्ती राजा नहीं, पूरे ग्लोब का राजा कौन बनेगा? सुदर्शन चक्रवर्ती राजा। नहीं फिराएगा तो ग्लोब का राजा बनेंगे। तो कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है, परफेक्शन पूरी चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी है। वो होगी, होनी है कब? अंत में। और अंत कोई भी समय आ सकती है। दुनिया का अंत कब होगा बात की बात है, इस शरीर का अंत कब हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। इसलिए क्या करें? श्री कांत का पता किसी को नहीं पता, तो क्या करें? इसलिए पुरुषार्थ यानी अपने को चेक करो और चेंज करो। तो गलती होती है कोई बात नहीं, चेक करो क्यों गलती है। योग गलती करनी है और योग बोलो, और योग बोलो। ज्ञान की कमी है और ज्ञान का मंथन करो। इसलिए पुरुषार्थ यानी चेक और चेंज लगातार करना है। रोज का चक्की, रोज की चक्की, एक एक घंटे की चक्की करनी। नित्य तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे, चक्की जो लगातार चलता रहे। लौकिक बाप तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि देह के सभी संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान छोड़, मुझे याद करो तो पाप कटेंगे। लौकिक बाप कहेगा कभी? नहीं कहेगा ना। ये तो बेहद का बाप ही कहते हैं बच्चे, कुछ एक की याद में रहो तो सब पाप कट जाएंगे। तो सब पाप कट जाएंगे कैसे करेंगे? जब मुझ एक की याद में रहोगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये धंधा तो खुशी से करना चाहिए, ये बिजनेस हमारा, बाबा का परिचय देना है ना, बाबा को याद करना, ये बिजनेस हमारा, ये धंधा तो खुशी से करना चाहिए ना। तो भोजन खाते समय भी बाप को याद करना, ये है सूक्ष्म प्रति। स्कूल में तो बैठते हैं हम, बाबा का परिचय देकर बैठ गए, सूक्ष्म प्रति क्या है? अब भोजन खा रहा हूँ, मुझे किससे बात करनी? बाबा की, बाबा को पहले खिलाना है, तो बाद में क्या करते हैं? बाबा एक बार तो बच्चे याद करते हैं, बाद में सारा खा जाते हैं। बाबा देखते हैं दोबारा भी खिलाएंगे, बाबा हर बाइट खिलाओ तो बाबा आपको खिला रहे, बाबा खिलाओ फिर खाओ बुला मत। भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है। और याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है। ठीक है, जा रहे हो गाड़ी में जा रहे हो, क्या बातें करनी चाहिए इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। तो अपने को देखना है, बाबा को कितना समय याद करिए, 5 मिनट बाबा घर में चले गए, बाबा अच्छा ओके गुड नाइट। अपने को देखना है, बाबा को कितना समय याद करता हूं, अच्छा अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति यादगार और गुणमय। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की शर्त की रूहानी सर्विस करनी। कभी भी संचय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना। संशय आ जाए कोई बात नहीं, पूछ लो, देर हो जाएगा,
उसी चक्कर में पढ़ाई नहीं छोड़ना, तो क्या करना है, ट्रस्टी होकर रहना है। आज से गृहस्थी शब्द को काटा मार दे, हम गृहस्थी नहीं है, कौन है, ट्रस्टी, सब कुछ उसका है, उसी ने दिया हुआ है, उसी के काम में रहना है बस। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ, कर्म करते भी याद बाप को करना है, श्रीमत में अपना कल्याण समझ श्रीमत पर चलते रहना, मुरली में या पर कल्याण है, इसे अपने आप का मुरली के हिसाब से चलते रहना है। अपनी मत नहीं चलानी, अपनी मत नहीं चलानी है, वरदान मनसा शक्ति और वाचा शक्ति को, मनसा शक्ति और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र प्रसादी भव, तीव्र प्रसादी कौन है, जो पास विद ऑनर बनते हैं, बस दूसरे में पास होते हैं, तो कौन होंगे, जो यथार्थ और समर्थ रूप से जाते हैं, जो एक्यूरेट है, यथार्थ है, एक्यूरेट है और समर्थ है, इसमें कोई व्यर्थ नहीं, ऐसी ऐसे कार्य करने, कब कैसे, कहां से, मनसा और वाचा की शक्ति, सोचने और बोलने में बहुत मदद चाहिए, क्या सोचना है मैंने, क्या बोलना है मैंने, कितना बोलना है मैंने, इस शक्ति को एक्यूरेट और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र प्रसाद की, और कौन सा हमारे तीव्र प्रसाद, पास तो चेक करेगी आज कोई व्यर्थ तो नहीं, व्यर्थ तो नहीं आता किसी बात में, यथार्थ है और यथार्थ तो नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं है, किसको, मनसा को और वाचा की शक्ति, सोचने की और बोलने की शक्ति, सारी चलनी बनती, कैसे करनी है, सुनो विस्तार, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं, वे इसमें लूज नहीं होते, ढीले नहीं होते, इसमें सोचने और बोलने में ढीले नहीं होते, उन्हें यह स्लोगन सदा याद रहता है, कौन सा स्लोगन, कम बोलो धीरे बोलो और मधुर बोलो, धीरे बोलो में धीरे की अच्छा से बोलो की, है ना, किसी आवाज में बोलो धीरे बोलो में, मान लो किसी को बुलाना है यहाँ से आवाज दूर से नहीं मानो, वहां जाकर आराम से बोलो आपको बुलाना है, कैसे बोलना, और बोलना है तो मधुर बोलना, नहीं बाबा ने जो बोल बोले वही बोलना, कम बोलना, कम बोलेंगे ये नहीं पूरी बात समझा ना सको, जितनी उस बात को समझाने की जरूरत है उतना समझाओ, आगे पीछे का लेकिन समझाना, ठीक है, उनका जैसा करेंगे उनका हर बोल योग युक्त और युक्ति युक्त होता है, टैक्टफुल योग करोगे हमेशा, वे आवश्यक बोल ही बोलते हैं, व्यर्थ बोल कैसे क्यों क्या ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया ऐसी बातें नहीं करेंगे, और विस्तार के बोल बोलकर, छोटी सी बात होगी इतनी ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं है, यह विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते, निकलने में एनर्जी जाती है ना, अपनी वेस्ट नहीं करेंगे, वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं, वे सदा एकांत प्रिय में अकेले बैठना अच्छा नहीं लगता, इन्हें एकांत प्रिय अकेले बैठना चलता है, एकांत एक के अंत में कौन है, बाबा, बस बाबा की बात बैठना को पसंद आता है, बाबा के रूप में जाएंगे वहीं पर आते हैं, लोगों ने तीव्र पुरुषार्थी स्लोगन, संपूर्ण नष्टो मोह बनना है, एक नष्टो मोह क्या, संपूर्ण नष्टो मोह, संपूर्ण नष्टो मोह वो है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर, मैं कौन, आत्मा, मेरा कौन, बाबा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरा ये
ये सब कुछ खत्म कर देगा ना, वो है संपूर्ण मस्तिष्क में। अभी लास्ट में सुनेंगे हम मातेश्वरी जी के मधुर माव, मम्मा के बहुत सुंदर शब्द हैं। मन के अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। कैसे? सुनो, वास्तव में सच्चाई क्या है, हरेक मनुष्य की ये चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जाए। सब चाहते हैं मन की शांति चाहिए, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है, मन की शांति क्यों नहीं मिली, इसका एक्यूरेट कारण क्या है? अब पहले तो ये सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। शांत तो बाद में रहेंगे कि अशांत कैसे हुआ, उसकी जड़ क्या है। तो मन की अशांति की मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना, कर्मों के बंधन में फंसना। बंधन कौन से है? जब तक मनुष्य इन पांच विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट ही नहीं सकता। शांति चाहिए तो पांचों विकार छोड़ने पड़ेंगे। जब कर्म बंधन टूट जाता है तब मन की शांति, ये कहो जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते, दुखों के बगैर जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है, सोचो ये कर्मा ये कर्म बंधन टूटे कैसे, पांच विकार को जो कर्म बंधन बना है ये कैसे टूटेंगे और उसे छुटकारा देने वाला कौन? अब ये तो हम जानते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे ही नहीं सकता। वास्तव मनुष्य कितना भी साधु संत सन्यासी हो नहीं छुड़ा सकता, ये देख लिया हमने। तो ये कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है, तो वही आकर क्या करते हैं बाबा, हिसाब तो जो बने हुए हमारे पिछले जन्मों के, तभी तो हो रहा है सब कुछ गड़बड़ चल रही। अब ये कर्म कैसे छूटेगा, सेटल कैसे होगा, कौन करेगा? पहली बात तो परमात्मा में दम है, ताकतवर वही है, सब तो वही आकर कैसे करेंगे, इस ज्ञान और योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को कहा जाता है सुखदाता। दुनिया में सब कौन है? दुखदाता। बाबा कौन है? सुखदाता। जब तक पहले ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, असल में मैं किसकी संतान हूं, मेरा असली गुण क्या है, जब ये बुद्धि में आ जाए तभी तो कर्म बंधन टूटे। सुख शांति प्रेम आनंद मेरा असली गुण है, काम क्रोध लोभ अहंकार मेरा गुण नहीं है, ये तो अवगुण है। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है, माना परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति।